दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अनु कपूर। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं रेडियो के नंबर वन शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। आज आपके सफर को सुहाना बनाने और आपका साथ देने के लिए फिल्मी दुनिया की जिन कहानियों को लेकर आया हूं वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले शहीद नदिया के पार और शबनम जैसी तीन तीन हिट फिल्में देने के बावजूद दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की फिल्म आरजू क्यों बन गई उनकी आखिरी फिल्म, ये कहानी होगी आज। दूसरे नंबर पर होगी कहानी एक एक्ट्रेस की मां ने किया बेटी के साथ सौतेला व्यवहार, वो एक्ट्रेस कौन है। और फिर दिल ने फिर याद किया, आज याद करेंगे फेमस एक्टर राइटर कादर खान को। इसके बाद कहानी होगी मीना कुमारी की। मीना कुमारी ने 14th फिल्मफेयर अवार्ड फंक्शन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रेजेंट करने का प्रॉमिस किया था, मगर इस फंक्शन से पहले हुए उनके एक्सीडेंट की वजह से उनके आने पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? और पांचवें नंबर पर बताऊंगा कि क्यों चेतन आनंद चाहते थे कि उनकी फिल्म आखिरी खत की शूटिंग किसी भी तरह एक महीने के अंदर खत्म हो जाए। हमारे एक श्रोता जिन्होंने पूछा है कि लेजेंडरी दिलीप कुमार को कौन कौन से अवार्ड्स और सम्मान से नवाजा गया, ये सब आज के शो में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर और मैं हूं अनु कपूर। स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात 1948 में आई फिल्म शहीद के समय की है, जब पहली ही फिल्म के दौरान दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की नजदीकियां बढ़ गईं, ये जानते हुए कि कामिनी कौशल शादीशुदा थीं। कामिनी ने अपनी बड़ी बहन की टीबी के कारण हुई असमय मौत के बाद उनके पति यानी अपने बहनोई बीएस सूत से शादी कर ली थी। बहन अपने पीछे दो बेटियां छोड़ गई थीं। उनको मां मिल जाए यही सोच के कामिनी ने छोटी उम्र में ही ये शादी की थी, मगर नदिया के पार और शबनम के दौरान इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा और उनके प्यार के चर्चे सारी इंडस्ट्री में फैल गए। उसी समय प्रोड्यूसर हितेन चौधरी बना रहे थे आरजू, जिसका डायरेक्शन कर रहे थे शाहिद लतीफ। फिल्म की कहानी लिखी थी शाहिद लतीफ की पत्नी इस्मत चुगताई ने। फिल्म की कहानी एमिली ब्रॉन्थ के क्लासिक नॉवल वुदरिंग हाइट्स पर बेस्ड थी, जिसका आइडिया खुद दिलीप कुमार ने इस्मत चुगताई को दिया था। दिलीप कुमार और कामिनी के रोमांस की वजह से प्रोड्यूसर हितेन चौधरी ने कामिनी को इस फिल्म के लिए साइन किया। हालांकि इंडस्ट्री में अफवाहें थीं कि कामिनी की फैमिली को उनके अफेयर का पता चल चुका है और अब ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। फिल्म के दौरान कामिनी की राइटर इस्मत चुगताई से अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन उन्होंने अपने और दिलीप के रिश्ते की बात इस्मत को बता दी। साथ ही कामिनी ने यह भी बताया कि वो अपने परिवार को छोड़कर दिलीप कुमार से शादी करने का मन बना रही हैं। ये बात सुनकर इस्मत ने कामिनी को समझाया कि ऐसा करने से उनकी इमेज खराब होने का डर है, जिससे उनके करियर और फैमिली लाइफ दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। फिल्म की शूटिंग क्लाइमैक्स तक पहुंच गई थी कि तभी वो हुआ जिसका डर था। एक दिन कामिनी के साथ उनकी माँ और आर्मी में काम करने वाला भाई सेट पर आ पहुंचे। दोनों दिलीप कुमार से मिलकर इस मैटर को क्लोज करना चाहते थे। अनहोनी की आशंका को देखते हुए दिलीप कुमार को उनसे मिलने नहीं दिया गया और दोनों को किसी तरह समझा बुझाकर वापस भेज दिया। मगर इस घटना ने कामिनी कौशल को सोचने पर मजबूर कर दिया।
धीरे धीरे उन्होंने दिलीप कुमार से दूरियां बना ली और इस फिल्म के खत्म होने के साथ ही दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया। 4 साल की उम्र से फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह काम कर रही सारिका 21 की उम्र तक आते आते एक हीरोइन के रूप में अपना मकाम बना चुकी थी। बचपन में ही माता पिता के अलग हो जाने की वजह से सारिका की सारी दुनिया उनकी मम्मी ही थी। यही वजह थी कि सारिका पूरी तरह से अपनी माँ के ऊपर निर्भर थी। अगर सारिका कोई भी काम अपनी मर्जी से करती तो माँ उन्हें सेट पर, फंक्शन पर या घर पर कहीं भी हो डांट दिया करती थी। सारिका की माँ हमेशा उनके साथ रहा करती थी, मगर एक बार जब उनकी माँ सेट पर मौजूद नहीं थी तब एक प्रोड्यूसर उनके पेमेंट की इंस्टॉलमेंट सारिका को देकर चला गया। पैसों का लिफाफा देख सारिका बड़ी खुश हो गई। उन्होंने घर लौटते समय एक बुक स्टोर पर जाकर 1,000-1,500 रुपये किताबों पर खर्च कर दिए। घर पर जब ये खबर उन्होंने अपनी माँ को बताई तो एक बार फिर उनकी माँ ने उनसे बिना पूछे पैसे खर्च करने पर सारिका को बुरी तरह से पीट डाला। इस घटना ने सारिका को अंदर से तोड़ कर रख दिया। उनके धैर्य का बांध टूट चुका था। सारिका उसी रात चुपचाप बिना कोई सामान लिए अपनी गाड़ी में बैठी और घर छोड़ के निकल गई। वो रात तो कार में ही सोकर बिताई। अगले दिन सुबह अपनी एक फ्रेंड के यहां पहुंच गई। सारिका ने किसी से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि वो घर छोड़ आई हैं। इसी तरह दोस्तों के घर रहने का सिलसिला अगले 6 दिनों तक जारी रहा। मगर सारिका को अपना घर चाहिए था जहां वो सुकून से रह सकें। सारिका ने किराए के घर की तलाश शुरू कर दी, मगर एस्टेट एजेंट से मिलने पर उन्हें पता चला कि उनके पास तो खुद के 6 फ्लैट हैं। घर से निकले 10 दिन बीत चुके थे। आखिर सारिका ने मां को अपनी खैर खबर देने और फ्लैट के बारे में पूछने के इरादे से फोन किया, मगर मां से बात करके सारिका को उनके सेल्फिश बिहेवियर पर बड़ी हैरानी हुई। मां को सारिका के घर से निकल जाने का कोई दुख नहीं था, बल्कि मम्मी ने कहा, तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें गैस कनेक्शन और कुछ जरूरी कागजात उनके नाम करने होंगे, मम्मी के नाम करने होंगे। मां ने सारिका को बताया कि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मां के इस व्यवहार से सारिका बहुत आहत हो गई और सारिका अब फ्री होना चाहती थी। उन्होंने मां के कहे अनुसार सारे प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कर दिए। सारिका को अपनी प्रॉपर्टी खोने का उतना दुख नहीं था जितना इस बात का कि उनकी मां ने उनके साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार किया। क्यों किया? उन्होंने उसके बाद अपने आप को सेटल करना शुरू कर दिया, नई फिल्में साइन की, खुद के लिए एक फ्लैट खरीदा और जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत की। ये कहानी थी सारिका की। आज जिस शख्सियत को याद करेंगे वो हैं कादर खान। कादर खान का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में बहुत गरीब परिवार में हुआ था। वालिद अब्दुल रहमान कंधार से और माँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान से थीं। उनसे पहले उनके घर 3 बड़े भाइयों का जन्म हुआ, मगर 8 साल की उम्र आते आते उनमें से कोई नहीं बचा। जब कादर खान का जन्म हुआ तो उनकी माँ ने फैसला कर लिया कि वो काबुल नहीं रहेंगी और तब परिवार आखिरकार आ गया बंबई। बचपन से ही कादर खान को उनकी माँ मस्जिद भेज दिया करती थी, मगर कादर खान मस्जिद जाने की बजाय एक शमशान में अपना वक्त गुजारा करते थे। कादर खान 4-5 साल के रहे होंगे जब उनके माँ बाप अलग हो गए। 7-8 बरस की उम्र के रहे होंगे जब शमशान में उनकी मुलाकात कैरेक्टर आर्टिस्ट अशरफ खान से हुई। कादर खान से इम्प्रेस अशरफ ने उन्हें इस प्ले के लिए
सेलेक्ट कर लिया। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद जब ये प्ले हुआ तो कादर खान को उनकी परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट के तौर पर 100 रुपए का नोट दिया गया। कादर खान की पढ़ाई लोकल म्यूनिसिपल स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्होंने इस्माइल यूसुफ कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया, साथ साथ थिएटर भी करते रहे। उन्होंने स्टेट लेवल कंपटीशन में अपने प्ले लोकल ट्रेन के लिए अवार्ड भी जीता। मगर जब वो उस अवार्ड को लेकर घर पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें गुस्से से मारपीट कर घर से बाहर निकलने को कहा। घर छोड़कर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और वहीं स्टाफ क्वार्टर में रहने लगे। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने बायकल्ला के MH साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। यहां भी उनका प्ले लिखना, डायरेक्ट करना और एक्ट करना जारी रहा। फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अक्सर प्ले देखने के लिए आ जाया करते थे। यहीं उनकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर रमेश बहल से हुई, जो बना रहे थे फिल्म जवानी दीवानी। उन्होंने कादर खान से मिलकर उन्हें अपनी फिल्म में डायलॉग लिखने का मौका दिया। इस फिल्म के कंप्लीट होते ही प्रोड्यूसर रवि मल्होत्रा ने फिल्म खेल खेल में के डायलॉग लिखने का ऑफर दे डाला। कुछ ही महीनों के बाद कादर खान को मनमोहन देसाई का बुलावा आ गया। मनमोहन देसाई उन दिनों राजेश खन्ना को लेकर बना रहे थे रोटी। उन्होंने कादर खान को स्क्रीन प्ले समझाते हुए कुछ अलग हटकर लिखने को कहा। कादर खान ने अगले 2-3 दिनों में ही डायलॉग लिख डाले और इस फिल्म के बाद कादर खान और मनमोहन देसाई ने सालों साल जम के रच के काम किया। आने वाले वक्त में कादर खान ने मनमोहन देसाई के लिए अमर अकबर एंथनी, नसीब और कुली जैसी फिल्में लिखी। उसी दौर में कादर खान ने प्रकाश मेहरा के लिए भी खून पसीना, लावारिस और मुकद्दर का सिकंदर जैसी कामयाब फिल्में लिख डाली। कादर खान को बेस्ट डायलॉग राइटर के लिए उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1982 में आई फिल्म के लिए मिला, जिसका टाइटल था मेरी आवाज सुनो। आगे चलकर उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाए। 1991 में कादर खान को फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा हम, आंखें, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल और दूल्हे राजा जैसी फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का नॉमिनेशन मिला फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। 2013 में कादर खान को फिल्मों में दिए उनके योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। तकरीबन 300 से अधिक फिल्मों में एक्टिंग और 80 फिल्मों के डायलॉग लिखने वाले कादर खान ने बदलते समय के साथ फिल्मों से दूरी बना ली, अलग हो गए। बात है 1966 में हुए 14th फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन की, जिसमें फिल्म गाइड के लिए वहीदा रहमान को बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। उनके साथ जो दूसरे दो नॉमिनेशन थे वो थे, पहला सुचित्रा सेन का फिल्म ममता के लिए और दूसरा था मीना कुमारी का फिल्म फूल और पत्थर के लिए। इससे पहले पिछले साल ये अवार्ड मीना कुमारी फिल्म काजल के लिए प्राप्त कर चुकी थी, मगर इस बार ये अवार्ड वहीदा रहमान को दिया जाने वाला था और फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स चाहते थे कि ये अवार्ड मीना कुमारी खुद अपने हाथों से वहीदा रहमान को प्रेजेंट करें, मगर उन्हें इस बात की कम ही उम्मीद थी क्योंकि मीना कुमारी का खुद फिल्म फूल और पत्थर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन था। मगर जब मीना कुमारी से इस बारे में बात की गई तो मीना कुमारी ने इसे सहजता से स्वीकार करते हुए अवार्ड फंक्शन में आकर ये अवार्ड अपने हाथों से वहीदा रहमान को देने के लिए स्वीकृति दे दी। मगर अवार्ड फंक्शन से कुछ दिन पहले ही मीना कुमारी को हाथ में फ्रैक्चर हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया था उनका। फिल्म फेयर वालों को इस बात की जानकारी हो गई, ऑर्गेनाइजर्स को लगा कि शायद वो आ नहीं पाएंगी,
मगर उनकी आशा के विपरीत मीना कुमारी ने उनको ये विश्वास दिलाया कि वो फंक्शन में जरूर आएंगी और अपने हाथों ट्रॉफी देंगी वहीदा को। फंक्शन शुरू हुआ, सभी बेसब्री से मीना कुमारी का इंतजार कर रहे थे, मगर मीना कुमारी का कहीं पता नहीं था और ना ही उनकी ओर से कोई खबर ही आई थी। ऑर्गेनाइजर चिंता में थे, मगर फंक्शन शुरू होने के एक घंटे के बाद अचानक सफेद सिल्क की साड़ी में खूबसूरत मीना कुमारी आई और एक हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद उन्होंने वादे के मुताबिक वहीदा रहमान को फिल्म गाइड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी प्रेजेंट की। 1966 में चेतन आनंद की डायरेक्ट की हुई एक फिल्म आई, फिल्म का नाम था आखिरी खत। फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी और मास्टर बंटी। फिल्म की कहानी लिखी थी चेतन आनंद ने और वो चाहते थे कि किसी भी कीमत पर फिल्म एक महीने के अंदर शूट हो जाए। फिल्म की कहानी असल में एक 15 महीने के बच्चे की कहानी थी जिसकी माँ उसे साथ लेकर बंबई उसके पिता की तलाश में आती हैं। माँ का रोल प्ले किया था इंद्राणी ने और पिता का राजेश खन्ना ने। बंबई आकर बच्चे की माँ की मौत हो जाती है और बच्चा पूरे शहर में भटकता फिरता है। इस बच्चे का रोल प्ले किया था मास्टर बंटी ने। इस बच्चे की ही वजह से चेतन आनंद इस फिल्म की शूटिंग को एक महीने के अंदर खत्म करना चाहते थे। कारण, कंटिन्यूटी। असल में शूटिंग की शुरुआत के समय बच्चे का रोल करने वाले 15 महीने के मास्टर बंटी के आगे के दो दांत आ चुके थे और तीसरा दांत एक महीने के अंदर कभी भी आ सकता था। इसलिए चेतन चाहते थे कि इससे पहले कि बच्चे का तीसरा दांत आए उनकी फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाए और कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम नहीं आए। हालांकि यह बड़ा टेढ़ा काम था क्योंकि कहानी के अनुसार जब बच्चे की मां की मौत हो जाती है तो बच्चे को अकेले पूरे शहर में घूमना था और उसके पीछे चलते हुए उसके साथ हो रहे रियल इंसिडेंट्स शूट करने थे। जाल मिस्त्री की फोटोग्राफी में फिल्म उसी तरह शूट हुई जैसा चेतन आनंद चाहते थे। फिल्म को बॉलीवुड गाइड कलेक्शन ने 5 स्टार दिए थे। फिल्म को 1967 में हुए 14th एकेडमी अवार्ड में भारत की तरफ से बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भेजा गया। हालांकि फिल्म नॉमिनेशन के लिए नहीं चुनी गई। फिल्म के गीत लिखे थे कैफी आजमी ने और म्यूजिक दिया था खयाम ने। इसका एक गीत जिसे लता मंगेशकर ने गाया है बहुत पसंद किया गया था, तब भी अब भी बहारों मेरा जीवन भी सवारो। दिल्ली की श्रद्धा गोयल का प्रश्न, जिन्होंने ये जानना चाहा है कि लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार को कौन कौन से अवार्ड प्रदान किए गए। इनमें सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा बेस्ट एक्टर के लिए उन्हें मिले फिल्म फेयर अवार्ड्स का, जिसमें उन्हें 19 बार नॉमिनेशन मिला और 8 बार ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये 8 फिल्में थीं, दाग के लिए 1953 में, आज़ाद 1955 में, देवदास 1956 में, नया दौर 1957 में, कोहिनूर 1960 में, लीडर 1964 में, राम और श्याम 1967 में और 8वां फिल्म शक्ति के लिए 1982 में। इसके अलावा 1962 में फिल्म गंगा जमुना के लिए कार्लो विवारी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उन्हें प्राप्त हुआ। इसी फिल्म के लिए 1963 में बॉस्टन यूएसए में भी सिल्वर बाउल अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ। 1991 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 1997 में उन्हें 3 सम्मान मिले, गुरु नानक यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि, एनटी रामाराव अवार्ड फॉर स्टर्लिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा और पाकिस्तान सरकार की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान इम्तियाज प्रदान किया गया।
1998 में सोशल वेलफेयर फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2009 में CNN IBN लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। दिलीप कुमार साहब के पाकिस्तान स्थित घर को पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय संपत्ति नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया है और अभी हाल ही में उन्हें भारत सरकार ने देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण देने का निर्णय किया। इतने सारे अवार्ड्स और सम्मान के बावजूद एक अवार्ड ऐसा जरूर रह गया जो उन्हें आज तक नहीं मिल सका और वो है नेशनल फिल्म अवार्ड। दिलीप साहब के स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए, कामना करते हुए, उम्मीद करता हूं कि श्रद्धा हमारे जवाब से संतुष्ट होंगी, मुतमईन होंगी। फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर 92.7 बिग एफएम पर। सुनना ना भूलें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।